जागरूक भारत 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना काल के 2 साल बाद सूरत शहर में विश्व योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूरत शहर में 50 से ज़्यादा जगहों पर योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शहर के 50 से अधिक संगठन भी शामिल होंगे। सूरत नगर निगम का मुख्य कार्यक्रम सूरत एयरपोर्ट आइकॉनिक रोड पर होगा, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग मौजूद रहेंगे। इस विशेष कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सूरत शहर मेयर हेमाली बोधावाला ने बताया कि सूरत शहर में विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से महानगर पालिका कम्युनिटी हॉल, पार्टी प्लॉट, खेल परिसर के साथ साथ निजी हॉल, निजी संस्थान, सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज, बाग बगीचे, पार्टी प्लॉट, खुले मैदान आदि स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। महापौर ने इस विभिन्न स्थानों पर अधिक से अधिक लोगों से योग में शामिल होने और योग दिवस मनाने की भी अपील की। कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर इसमें 60 संगठन भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट आइकॉनिक रोड पर सुबह 5:45 से 7:47 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। सुबह 6:30 बजे से 7:47 बजे तक शहर में 50 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा और 60 और संगठन शामिल होंगे। योग दिन आखिरी बार 2019 में मनाया गया था, जिसमें 7 लाख लोगों ने योग किया था और इस दिन को मनाया था। सूरत नगर निगम इस साल इस रिकॉर्ड को तोड़ने और 10 लाख लोगों को एक साथ योग में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, सूरत। जी मैडम, 21 जून विश्व योगा दिवस तरीके ओळखवामां आवे छे, एना माटे शुं प्रोग्राम राखवामां आव्यो छे सूरत खाते? આદરણીય દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર વિશ્વ યોગ દિવસ મનાવવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે સુરત શહેરમાં પણ આઇકોનિક રોડ ઉપર વૈસુ ખાતે આપણે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં છે અને એમાં પણ લગભગ 3000થી વધુ લોકો આ યોગ દિવસમાં આપણી સાથે જોડાવાના છે। સુરત શહેરના 30 ઇલેક્શન વોર્ડમાં પણ લગભગ 49થી વધુ જગ્યાએ આપણે આ યોગ દિવસનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને સમગ્ર સુરત શહેરના તમામ એનજીઓ, સંસ્થાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, કોલેજોના માધ્યમથી 10 લાખથી વધુ લોકો આ યોગ દિવસમાં જોડાય એવી અપેક્ષા હું તમામ સુરત શહેરીઓ પાસે આપણે એક નમ્ર અપીલ કરું છું। ધન્યવાદ।